वेलकम बैक टू माई चैनल कज़न स्टाइल्स। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंड जी हाँ, क्रिसमस पार्टी है और हम मेकअप ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे हम घर में ही पार्टी करें लेकिन हम मेकअप करेंगे। और जी हाँ, इस तरह का ग्लोई मेकअप आप भी सीखना चाहती हैं तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, सबसे पहले हम ये पॉन्स की क्रीम लेंगे और इसे अपने फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे क्योंकि हमें अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये गुड वाइब्स का रोज़हिप ऑयल लूँगी। ये ग्लो करता है फेस को और इसे अच्छे से मसाज कर लूँगी। अच्छे से मसाज करना है और अब मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट कर लूँगी। कोई भी लिप बाम ले सकते हैं आप। और अब मैं ये स्टे क्वेकी का प्राइमर ऑयल लेके अपने फेस के ऊपर अच्छे से मसाज कर लूँगी। और अब मैं ये O3 का प्राइमर ले रही हूँ और इसे ये जेल बेस्ड है, ये हाइड्रेट करेगा स्किन को। और अच्छे से मैं इसको अपने स्किन के ऊपर मसाज कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप अच्छे से स्टे ऑन करे। और अब मैं ये मैबेलिन का फिट मी का कंसीलर लेके अपनी आईज़ के ऊपर लगा लूँगी आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए। और इसे मैं ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी। ये पैक का ब्रश है। और अब मैं अपने आईब्रोज के लिए ये मार्स का आईब्रो जेल यूज़ करूँगी। हम थोड़ा सा अच्छा नीट लुक देने के लिए मेकअप आईज़ का पहले करेंगे और अब ये थोड़ा कंसीलर से मैं इसको नीट लुक भी दे दूँगी। और इसको सेट करने के लिए मैं मैबेलिन का ही मास्टर फिक्स का लूज पाउडर यूज़ करूँगी। अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट लूँगी और इसमें से मैं ये रेड शेड लेके अपना ट्रांजिशन सेट करना शुरू करूँगी और आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। और इसके साथ ही मैं ब्लैक कलर को अच्छे से ब्लेंड करती जाऊँगी। और देखिए, जब तक ब्लेंड करना है जब तक आपको आपका पसंद का कलर ना मिले। और अब मैं कट क्रीज के लिए कफ्स एंड लैशेस का ये वाइट कलर का पॉट लूँगी। ये वाइट कलर है, इससे मैंने अच्छे से देखिए पूरा फुल कट क्रीज किया है और ताकि मुझे मेरे कलर्स जो हैं आई शेडो के अच्छे से उभर कर आए मेरे शेड्स। और अब मैं ये मरून कलर लूँगी, थोड़ा कॉपरिश मरून कलर है, इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और बीच का हिस्सा छोड़ दूंगी और कॉर्नर्स पे मैं ब्लैक कलर से आउटर वी पे लगाऊंगी अपने। अब इसको सेट करने के लिए मैं ये सिल्वर कलर का आई शेडो ले रही हूँ और ये इसके ऊपर मैं ये लिक्विड आई शेडो लगाऊंगी सिल्वर कलर का। और इसको ऐसे ब्लेंड कर दूंगी जैसे दोनों हम जो रेड है इसको भी मर्ज कर दूंगी इसके साथ और ब्लैक को भी। और अब मैं जो भी फॉल आउट हुआ है उसे मैं एक वेट वाइप से क्लीन करूंगी और एक अच्छा सा वी लुक दे दूंगी। इसके ऊपर मैं कलर बार का वाटरप्रूफ आईलाइनर लगा दूंगी। ये वाटरप्रूफ है, स्टे ऑन भी करेगा काफ़ी देर तक। और अब मैं ये मैबेलिन का मस्कारा लेके हाइपर कर्ल मस्कारा, इससे मैं अपनी आई लैशेज को कोट दूंगी। अब ये कैलेलिस की लैशेज लगा लूँगी मैं। आईज मेकअप हम पहले करेंगे और अब हम फेस के लिए ये मिलानी का फाउंडेशन यूज़ करेंगे। नंबर 4 है मेरा। मेरी स्किन NC35 है और अच्छे से हम इसे ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। ये पैक का ब्रश है। और अब हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छे से पैट पैट कर देंगे ताकि जो भी एक्सेस हो इसमें आ जाए। और अब मैं ये फिट मी का ही कंसीलर लूँगी, लाइट शेड है ये। इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे और आउटर वी पे लगा के थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। अपनी ब्रिज ऑफ नोज, क्यूपिड बो, चिन और फोरहेड पे भी लगा लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और अब मैं ये कफ्स एंड लैशेस का ही 12 नंबर है ये। और इससे मैं कंटूरिंग स्टार्ट करूँगी। अच्छे से कंटूरिंग होती है ये और इसे मैं ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी।
और अब जो भी हमने जो ब्रश सॉरी जो हमने कंसीलर लगाया था उसे हम अपना पाउडर से सेट कर देंगे जहाँ जहाँ भी हमने कंसीलर लगाया था। और अब हमने जहाँ कंटूर किया था वहाँ पे हम इसे पाउडर कंटूर से सेट कर देंगे। रिमेल का है ये, बहुत अच्छा है। और इसे अच्छे से सेट कर देंगे अपनी नोज़ पे भी। और अब मैं ये मिस क्लेयर का ब्लश लूँगी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ये। देखिए थोड़ा सा ही लगाइएगा, ये नंबर 3 है। और इसे अपने चीक्स पे लगा लेंगे। और अब मैं ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर लूँगी और इसको सेट करने के लिए मैं पाउडर हाइलाइटर यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का। और अच्छे से इसको सेट कर दूँगी जहाँ जहाँ भी मैंने लगाया है। आप अपने इनर कॉर्नर्स को मैं हाईलाइट करूँगी और अपनी ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर दूँगी। और अब मैं ये न्यूड पेंसिल लेके अपनी लोअर वाटर लाइन को फिल कर लूँगी क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्लैमरस मेकअप करना है। और अब मैं ये मैबलिन का काजल लूँगी, कलोसल काजल, और इसे लोअर वाटर लाइन के बाहर हम लगाएंगे। देखिए इससे आंखें बड़ी भी लगेंगी और ग्लैमरस भी। और हम इसको स्मज आउट करेंगे सेम आई शेडो से जिससे हमने आई मेकअप किया है। और अब मैं ये मैबलिन मैटिंग की पैथ फाइंडर शेड लेके अपने लिप्स पे लगा लूँगी। ये बहुत ही प्यारा पिंक शेड है। इसके ऊपर मैं ये निका के का ग्लॉस लगाऊंगी, बहुत ही प्यारा ग्लॉस लगा मुझे ये काफ़ी देर तक लिपस्टिक के ऊपर लगाएंगे ग्लॉस तो काफ़ी देर तक स्टे ऑन भी करेगा। और आजकल ग्लॉसी लिप्स वैसे भी फैशन में हैं। और आप इसको फेसेस कैनेडा के फिक्सर से सेट कर लीजिए। और जी हाँ, हमारा मेकअप रेडी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो देखा हमने ये मेकअप हमने कैसे किया है और आप भी ये ट्राई करेंगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझे पसंद करती हैं, मेरा ये वीडियो लाइक करती हैं और आप चाहती हैं कि मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जी हाँ, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और मैं आपको सबसे पहले दिखूँ। सो अब मैं चलती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और कुछ नया लेके आती हूँ। बाय बाय।